री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और इकोनॉमी के अंतर्गत जो है हम लोग काफी कुछ लेक्चर अब तक अपलोड कर चुके हैं और इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम लोग गरीबी नामक टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में गरीबी क्या है और गरीबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वे अवधारणाएं देखने का प्रयास करेंगे जो परीक्षक को ध्यान में रखते हुए अक्सर पूछी जाती हैं। जो है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गरीबी कहते किसको हैं। जैसे सामान्य रूप से ये चीज़ें सामने आती हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि यह व्यक्ति गरीब है, वह व्यक्ति गरीब है, इसके पास इस आवश्यकता ये नहीं पूरी कर पा रहा, इसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, इसके पास गाड़ी नहीं, इसके पास घर नहीं है, तो इस रूप में जो है गरीबी व्यक्त होती है। लेकिन गरीबी को अगर परिभाषित करना हो या कई बार ऐसे होते हैं कि साक्षात्कार में वन लाइनर चीज़ें भी पूछी जाती हैं कभी कभी, तो कम से कम आपको एक परिभाषा स्पष्ट रूप से जो पता होनी चाहिए। तो गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। यानी कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। अब वो मूलभूत आवश्यकताएं समय समय पे बदलती रहती हैं और इसीलिए समय समय पर गरीबी के लिए गरीबी से संबंधित जो समितियों का गठन किया जाता रहा है। तो गरीबी का जो है एक अर्थ हम लोगों ने इस रूप में समझा। तो गरीबी को दो रूपों में जो है परिभाषित किया जाता है, यानी कि गरीबी के दो प्रकार होते हैं। तो इसे हम ऐसे देखते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष। गरीबी यानी कि ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉवर्टी। तो सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, यानी कि गरीबी के दो प्रकार होते हैं, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। अब ये कैसे होता है सापेक्ष गरीबी और किसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है? कहने का तात्पर्य है कि समाज में जो है कई व्यक्ति होते हैं, कई लोग होते हैं, उनके स्तर अलग अलग होते हैं। जब हम विभिन्न स्तरों में व्याप्त असमानता के आधार पर गरीबी का निर्धारण करते हैं तो वह जो है सापेक्ष गरीबी कहलाती है। यानी कि किसी भी देश में या किसी भी राज्य में रहने वाले विभिन्न जो है आय वर्ग के लोगों के बीच में जो है जो असमानता विद्यमान होती है उसके आधार पर जब गरीबी का अध्ययन किया जाता है तो वो सापेक्ष गरीबी कहलाती है। यानी कि सापेक्ष गरीबी गरीबी का वह प्रतिमान है जो विभिन्न जो है वर्गों के बीच में विद्यमान असमानता के आधार पर आय या गरीबी का निर्धारण करता है, उसे हम कहते हैं सापेक्ष गरीबी। यानी कि सापेक्ष गरीबी में जो है समाज में विभिन्न वर्गों के बीच में जो असमानताएं विद्यमान होती हैं, यहाँ वर्ग से तात्पर्य आर्थिक वर्ग से ही है, समझने का तात्पर्य है। यहाँ पर सामाजिक संरचना के जो है जनरल एससी एसटी ओबीसी इत्यादि से इसका तात्पर्य नहीं है, बल्कि यह सामान्य संदर्भों में या आर्थिक संदर्भों में विभिन्न जो वर्गों के बीच में जो असमानता विद्यमान होती है उन असमानताओं के आधार पर जो गरीबी को परिभाषित करता है वो कहलाता है जो है सापेक्ष गरीबी। कहने का तात्पर्य है कि ये कहा जाए कि किसी भी जो है शहर में रहने वाले 100 लोगों के जो जीवन स्तर, रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर है, वह उन्हीं में जो है अन्य 100 लोगों के जीवन स्तर से कितना आगे है, कितना ऊपर है, या नीचे वाले व्यक्ति जो है कितना ऊपर वाले व्यक्ति से जो है कम आय का स्तर रखते हैं, कम उपभोग का स्तर रखते हैं। तो यानी कि तुलनात्मक रूप से यहाँ पे, सापेक्षिक रूप से यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे जो है सापेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा जो है दूसरे रूपों में भी जो है देखने का प्रयास करेंगे कि सापेक्ष गरीबी को लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक,
लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से सापेक्ष गरीबी को मापने का कार्य किया जाता है। थोड़ा सा ये वक्र जो है इसको बनाया जाएगा तभी आप लोगों को ये चीजें क्लियर समझ में आएंगी। यहां पर इसे जो है 40 डिग्री लाइन कहा जाता है और यह जो है निरपेक्ष रूप में जो है ये 45 डिग्री की जो रेखा है यही आधार होता है लॉरेंज वक्र का। अब यहां पर दस 20 30 40 50 60 इस रूप में ये बनता है। हम यहां पर इसको लिख भी देते हैं। ये जो है मान लेते हैं आय का क्षेत्र है और ये जो है प्राप्तकर्ता का क्षेत्र है। प्राप्तकर्ता का जो है क्षेत्र है माने आय प्राप्त करने वाले लोगों का। यहां भी इसी तरीके से जो है 10 20 30 40 50 और 60 का जो है ये होगा। हम इसको ए मान लेते हैं, ये जो है बी है और ये जो है सी है। अब ये जो है लॉरेंज वक्र बनाने का एक आधार है। लॉरेंज वक्र जो है अगर लॉरेंज वक्र जो बन रहा है वो ए बी लाइन ही है तो वहां पे जो है पूरी तरीके से समानता, पूर्ण समानता उसको कहा जाएगा। और लॉरेंज वक्र जो है जितना ही इस लाइन से दूर जाएगा उतना ही असमानता विद्यमान जो है होगी। मान लेते हैं कि कुल मिलाकर के इस तरीके से बनता है। तो अब यह लाइन जो है इसके दूर जा रही है। इसको एक और भी हम यहां पे बढ़ा सकते हैं, इसे इसको 70 कर देंगे। तो अब ये यहां पर इस लाइन में जो है लॉरेंज वक्र ये बन रहा है। अब इसमें यह है कि ये रेखा जो है ये जो वक्र है यह 45 डिग्री से जितना दूर जाएगा उतना ही जो गरीबी होगा और जितना इसके पास जाएगा उतना ही जो है वो समानता होगा। यानी कि यदि जो है लॉरेंज वक्र यही रेखा होती है तो पूर्ण समानता विद्यमान है, या यह रेखा यहां पर पहुंचती है तो बहुत ही असमानता, पूर्ण असमानता की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। तो इस आधार पर यह लॉरेंज वक्र होता है। तो 45 डिग्री से जो है लॉरेंज वक्र ये 45 डिग्री है रेखा, और इस अगर जो है रेखा ही जो है लॉरेंज वक्र का निर्धारण करती है तो पूर्ण समानता वहां पर जो है पूर्ण समानता विद्यमान होगी। अगर जो है 45 जो है डिग्री ही जो है लॉरेंज वक्र है तो लॉरेंज वक्र बराबर 45 डिग्री है तो पूर्ण समानता वहां पर जो विद्यमान होगी। और इसी से जुड़ा हुआ एक जो कॉन्सेप्ट गिनी गुणांक का है, यह तो एक विजुअल जो है यह असमानता का एक विजुअल जो प्रदर्शन करता है कि हम देख रहे हैं इसमें जो असमानता कितनी दिख रही है। लेकिन जब हम इसे आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित करते हैं तब वह चीज क्या कहलाता है, गिनी गुणांक जो है के रूप में वो व्यक्त किया जाता है। गिनी गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। गिनी गुणांक निकालने का फार्मूला है कि अगर यहां पर एक हम कर देते हैं इसको दिखाने के लिए, ओ ये लाइन है यहां पर ओ बिंदु है, यदि ए ओ बी यानी कि कौन सा क्षेत्र हो गया इतना, ये क्षेत्र को जो है इस जो है इसके नीचे के पूरे क्षेत्र यानी कि ए, और इसको यहां पे अगर हम सी लिखते हैं तो ए सी बी मतलब ये हो गया कि
कि ए ओ बी बटे ए सी बी, यह जो है गिनी गुणांक का जो फार्मूला है, यानी कि इस क्षेत्र को जो है 45 डिग्री और गिनी गुणांक के बीच के क्षेत्र को जो है 45 डिग्री से नीचे पूरे क्षेत्र को भाग दिया जाए, इस क्षेत्र को पूरे इस क्षेत्र से भाग दिया जाए, यानी कि ए ओ बी को ए सी बी से भाग दिया जाए, तो यह गिनी गुणांक होता है। और जब इसको जो हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर देते हैं तब यह जो है क्या हो जाता है, गिनी सूचकांक हो जाता है, यह जो है गिनी सूचकांक हो जाता है। तो इस तरीके से गिनी गुणांक और गिनी सूचकांक जो है इससे निकल करके सामने आते हैं। तो यह एक्चुअली है तो गणितीय चीज, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना उसे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जैसे लॉरेंज वक्र है इस तरीके से कुछ वक्र, या लाफर वक्र है, जैसा कि हम लोग टैक्स के दौरान पढ़े थे कि जो है वो बताता है कि टैक्स की जो दर है, यानी कि कर की दर है और कर प्राप्ति के बीच में संबंध बताता है लाफर वक्र, उसी तरीके से लॉरेंज वक्र यहाँ पर विभिन्न आय वर्गों के बीच में जो है विद्यमान असमानता के आधार पर गरीबी को परिभाषित करने का जो काम करता है। तो यहाँ पर लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों संबंधित हो जाते हैं सापेक्ष गरीबी से। सापेक्ष का मतलब ये हो गया एक दूसरे से तुलना करके किसी को बताना कि यह जो है कमजोर स्थिति में है दूसरे की तुलना में, वही जो है हो जाता है सापेक्ष गरीबी। जबकि दूसरी तरफ जो है निरपेक्ष गरीबी आती है। तो हम इसको जो है उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल अगर कोई चीज है तो एक दो बार देखने पर जो है आप लोगों को वो चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। जो है ये केवल एक गिनी जो गुणांक है वो इस विजुअल जो प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है, उस चीज को जो है गणितीय रूप में जो है प्रस्तुत करता है, जबकि लॉरेंज वक्र असमानता को जो है वो विजुअल फॉर्मेट में जो है दिखा देता है। दूसरी तरफ है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी गरीबी का वह प्रतिमान है जो ये बताता है कि एक वर्ग जो है वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये एक निश्चित आय या एक निश्चित उपभोग का स्तर प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अर्थात गरीबी के जिस प्रतिमान के अंतर्गत हम जो है एक निश्चित जो है उपभोग का स्तर या निश्चित आय का स्तर न प्राप्त करने के आधार पर गरीबी को परिभाषित करते हैं, तो वह चीज होती है निरपेक्ष गरीबी। जो हम पूर्व में पहले परिभाषा दिए थे वही परिभाषा निरपेक्ष गरीबी की ही है, कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है एक निश्चित आय या निश्चित उपभोग से वंचित रह जाता है, उसे जो है निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। अब निरपेक्ष गरीबी से संबंधित जो प्रतिमान है, जो प्रयोग है, वो सबसे पहले खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो किया गया था, खाद्यों कृषि संगठन के द्वारा किया गया था, खाद्यों कृषि संगठन के द्वारा जो इसका प्रयोग सबसे पहली बार जो किया गया था। अब चूंकि इसमें एक निश्चित आय और उपभोग की बात होती है, इसीलिए यहां पर जो है पावर्टी लाइन की जो है बात कही जाती है। पावर्टी जो है लाइन यानी कि गरीबी रेखा को जो है, गरीबी रेखा की बात यहां पर कही जाती है। मतलब जब हम इसके अर्थ और दोनों प्रकार को देखेंगे तो उसके बाद जब निरपेक्ष गरीबी की बात कही जाएगी तो निरपेक्ष गरीबी के लिए जो है गरीबी रेखा का होना जो है आवश्यक है, और गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए जो है दो चीजें होनी आवश्यक है। एक न्यूनतम जो है पोषाहार का स्तर, यानी कि न्यूनतम जो है पोषाहार क्या होना चाहिए और उस न्यूनतम पोषाहार की कीमत क्या होनी चाहिए, तभी हम एक जो है गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन का जो है निर्धारण कर पाएंगे। भाई कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है। जैसे आज की डेट में जो है एमपीआई मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की बात जो की जाती है, समय समय पर इसका कॉन्सेप्ट बदलता रहा है, क्योंकि जीवन जटिल भी हो रहा है, बहुआयामी भी हो रहा है, इसलिए लोगों की आवश्यकताएं जो है वो बढ़ रही हैं, बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है जीवन जीने के लिए पता चला शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फल दूध सब्जी घर मकान, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं। तो पहले तो एक उसका एक न्यूनतम जो है एक स्तर बना लिया जाएगा, और फिर उन सभी न्यूनतम स्तर से संबंधित जो उपभोक्ता वस्तुएं होंगी उन पे कितने जो है खर्च हो रहे हैं उसके आधार पर जो है आपकी गरीबी रेखा का जो निर्धारण
किया जाता है। माने रेखा का तात्पर्य यहाँ पे है, एक न्यूनतम स्थिति बनाई जाती है कि कम से कम अगर इतना जो है इनकम किसी व्यक्ति के पास है तो वह निश्चित और आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकने में वो सक्षम होगा, तब उसी को लाइन कहा जाता है। और उस लाइन से जो व्यक्ति जो ऊपर होता है, उस लाइन से जो व्यक्ति ऊपर होता है वो जो है, और एक होता है उसके नीचे, तो ये गरीब होता है और ये गरीब से जो है गरीबी की लाइन से ऊपर उठ चुका होता है। तो कुल मिलाकर के वो लाइन का मतलब हो जाता है कि एक आय के आधार पर, उपभोग स्तर के आधार पर एक न्यूनतम स्थिति का निर्धारण किया जाता है। अब गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सबसे पहला प्रयोग जो है 1962 ईस्वी में जो है योजना आयोग के द्वारा जो किया गया था। योजना आयोग ने जो है योजना आयोग ने 1962 ईस्वी में सबसे पहली बार जो है वह निर्धनता रेखा का निर्धारण करने का प्रयास किया। उसके बाद जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब इसके आधार पर भी जो गरीबी को मापन करने का जो प्रयास किया गया। लकड़वाला समिति बनाई गई थी जो 1989 ईस्वी में, और इन्होंने जो है 1993 ईस्वी में जो अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया, और इसके आधार पर जो है ये बताया गया कि गरीबी रेखा जो है वह अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होनी चाहिए और इसी तरीके से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग होनी चाहिए। यह जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1989 ईस्वी में गठित और 93 ईस्वी में जो है प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में लकड़वाला कमेटी ने जो है कहा था, और इन्होंने ये कहा कि शहरी क्षेत्रों के लिए जो है औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ही जो है इसका आधार बनाना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो है सहारा लेना चाहिए। तो इस तरीके से 62 में जहां पर निर्धनता रेखा को निर्धारित करने का प्रयास किया गया, वहीं पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है गरीबी को मापने का जो प्रयास किया, जो कि लकड़वाला समिति के रिकमेंडेशन पर जो है आधारित थी। इसमें जो है अगला जो आता है वह है कैलोरी उपभोग व्यय के आधार पर, कि मतलब कितना व्यक्ति जो है कैलोरी उपभोग में ला रहा है। यह मूल रूप में जो है व्यक्ति के द्वारा उपयोग में की गई खाद्य सामग्री के आधार पर निर्धारित करती है, और यह आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसका निर्धारण किया गया। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के अलग अलग मानक निर्धारित किए गए, 2400 कैलोरी और इसी तरीके से 2100 जो है कैलोरी, ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यह शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति कृषि या ऐसे कार्य करता है जहाँ पर शारीरिक श्रम ज़्यादा खर्च होता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लिए कैलोरी जो है ज़्यादा होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों के लिए व्यक्ति मानसिक काम करता है, तकनीकी काम करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कैलोरी की तो खर्च कम होते हैं, यद्यपि वह व्यक्ति मेहनत तो करता है लेकिन मानसिक मेहनत ज़्यादा करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है कैलोरी 2100 ही निर्धारित की गई है। तो कैलोरी उपभोग व्यय को 8वीं पंचवर्षीय योजना में 2400 और 2100 कैलोरी क्रमशः जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित जो किया गया। एक जो है उपभोग व्यय के साथ साथ जो है आय को भी जो है बनाता है, उपभोग आय के आधार पर। तो यहां पर 2008 ईस्वी में जो है यहां पे तेंदुलकर समिति बनाई गई थी, जिसने 2009 ईस्वी में अपनी रिकमेंडेशन दिया, और इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक टोकरी होनी चाहिए। टोकरी का तात्पर्य यहां पे इन सभी चीजों से नहीं कि कोई सामान रखना है, टोकरी से तात्पर्य है कि आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान पर रखा जाए, एक सूची उसकी बनाई जाए, इसीलिए आवश्यक वस्तुओं की टोकरी। तो कई बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस समिति में आवश्यक वस्तुओं की टोकरी की बात कही गई थी। तो तेंदुलकर समिति ने 2008 ईस्वी में और 9 ईस्वी में इस बात पर जिक्र किया था कि आवश्यक जो है उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी होनी चाहिए और उन आवश्यक वस्तुओं पर कितना व्यय होता है, तो इस प्रकार से उपभोग व्यय के आधार पर जो है इसका निर्धारण जो किया जाए।
जो व्यय होगा माने उस पर कितना जो है व्यय किया जा रहा है, इससे जो है गरीबी का जो निर्धारण यहाँ किया जाता है। तो इस आधार पर जो है गरीबी रेखा के निर्धारण के क्रम में 2008 ईस्वी में तेंदुलकर समिति ने जो है ये चीज बताया कि जो है आवश्यक वस्तुओं के जो है टोकरी में सम्मिलित वस्तुओं या उपभोग संबंधी जो है सामग्रियों पर कितना उपभोग व्यय किया जा रहा है, उस उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का जो है निर्धारण किया जाना चाहिए। तो ये जो है कहलाता है उपभोग आय, या जो इसको व्यय कहा जाए, ऐसे उपभोक्ता व्यय। तो ये जो है कुछ प्रयास जो है निरपेक्ष जो है गरीबी के अंतर्गत जो गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए जो है प्रयास के रूप में सामने आता है। अब हम देखते हैं यहां पर गरीबी अनुमान, गरीबी का जो है अनुमान, भारत में गरीबी का अनुमान जो है NSSO के द्वारा जो किया जाता है, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, इसे हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहा जाता है, और ये जो है 1950 ईस्वी में जो है स्थापित हुई थी, 1950 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और यह जो है भारत में प्रति 5 वर्षों पर प्रति परिवार उपभोग का जो है अनुमान लगाती है, और यह जो है व्यापक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करती है, यानी कि भारत में गरीबी का अनुमान जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। यह संगठन जो है प्रति 5 वर्षों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और उस रिपोर्ट में प्रति परिवार के द्वारा उपभोग पर किए गए जो है व्यय से संबंधित आंकड़े जो है प्रस्तुत किया जाता है, और यह आंकड़े जो है वो व्यापक नमूना सर्वेक्षण पर जो है आधारित होता है। तो कुल मिलाकर के यह भी एक तथ्यात्मक जो है जानकारी है जो कि प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर जो है पूछे भी जाते हैं, तो जानकारी भी होना आवश्यक है। तो यह 1950 ईस्वी में जो है स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना भी कई बार पूछ लेता है। तो गरीबी अनुमान से संबंधित जो आंकड़े हैं उसका जो है गरीबी अनुमान से संबंधित आंकड़ों का जो है आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण जो है वह नैसो के द्वारा जो है किया जाता है। अभी गरीबी का निर्धारण, गरीबी निर्धारण जो है भारत में जो गरीबी के निर्धारण के लिए URP और MRP दो विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है। URP का मतलब यूनिफॉर्म रिकॉर्ड पीरियड और मिक्स्ड रिकॉर्ड पीरियड। इसमें जो होता है URP के अंतर्गत जो है प्रति 30 दिनों में जो है उपभोग पर व्यय किए गए जो है आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है, और इसमें जो है मिक्स्ड रिकॉर्ड पीरियड के जो है मिक्स्ड रिकॉर्ड पीरियड के अंतर्गत जो है इसमें 5 प्रकार की वस्तुएं हैं जिसपे जो है 100 दिनों में और शेष पर जो है 30 दिनों में व्यय किए गए जो है उपभोग पर व्यय किए गए जो है आंकड़ों को रिकॉल किया जाता है। अब इसमें जो है 5 चीजों में जो है क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वस्त्र है, जूता चप्पल और टिकाऊ कुछ वस्तुएं हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। इनमें जो है 100 दिन में जो है वो व्यक्ति कितना खर्च करता है उसको सम्मिलित किया जाता है, माने कि इसमें जो है दीर्घ काल में व्यय किए गए जो है आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर जो है शेष अन्य वस्तुओं के संदर्भ में केवल 30 दिन में कितना उपभोग पर व्यय किया जा रहा है, इन दोनों ही आंकड़ों को किया जाता है, इसीलिए जो इसको MRP के नाम से जो है जाना जाता है। तो गरीबी निर्धारण जो इसके आधार पर किया जाता है, भारत में गरीबी के निर्धारण इनके आधार पर किए जाते हैं, यानी कि दोनों ही तरीके अपनाए जाते हैं, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड का जो प्रयोग को प्रयोग में जो है लाया जाता है। विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए जो गरीबी के जो लाइन निर्धारित की गरीबी रेखा, तो 1.25 जो है वो डॉलर जो है बताता है, 1.25 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की कमाई करने वाले व्यक्ति को लाइन बनाया गया है, इससे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति उसके बाहर है, और इससे कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को जो है गरीब माना जाता है। तो कुल मिलाकर के गरीबी से संबंधित कुछ अवधारणात्मक जो है विषयों के साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ, हम लोगों ने कुछ तथ्यात्मक चीजों का भी जो अध्ययन किया। तो उम्मीद करता हूं कि गरीबी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो स्थिति आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो इसी तरीके से जो है
आप अन्य विषयों के साथ इकोनॉमी का जो अध्ययन करते रहिए, इस टॉपिक का अध्ययन करते रहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको जो क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है इससे संबंधित अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।